जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज पहली बार कृषि विधेयक की मुख्य बिंदुओं को लेकर सीधा किसानों से संवाद किया। रांची जिला के बुंडू स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में केंद्रीय मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, किसान कमजोर होगा तो देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों को कई सुविधा मुहैया कराई गई है। किसानों की उपज का मूल्य निर्धारित होने से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। किसान चुंगी के रास्ते अपने माल ना बेचकर सीधे बाजार में अपनी पसंद के अनुसार निर्धारित दर पर उपज बेच सकेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में किसान समेत भाजपा के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। बुंडू में बहुत ही उत्तम किसानों का एक संगोष्ठी हुआ, संवाद हुआ और हम लोगों ने मिलकर के बातचीत की। भारत सरकार ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो विधेयक के माध्यम से देश का भविष्य की कल्पना की है कि प्रत्येक किसान समृद्ध हो, इसी पर संवाद हुआ। और आपने सुना होगा कि आज किसान ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि इससे किसानों को आने वाले दिनों में नए तरीके से अवसर मिलेगा और किसान बहुत आशान्वित है और इस एक्ट के माध्यम से अब भारत में नया बदलाव आएगा और देश किसानों का देश वास्तविक रूप में कहलाएगा।